आज का मेरा पूरा दिन जो है वो कंट्रोल करने वाले हैं मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स। पहला वाला जो मैं पोल डालने जा रहा हूँ इस वक्त वो है हाउ शुड आई ब्रश माई टीथ टूडे, यूज ब्रश और यूज फिंगर। तो ये वाला मैं योर स्टोरी पे डालने जा रहा हूँ। अब मैंने तो यूज ब्रश पे दबाया था लेकिन ऑब्वियस सी बात थी कि यूज फिंगर आना था, तो अभी हम मंजन करते हैं, दत्त मंजन। पहले चैलेंज के लिए उंगली से टूथब्रश करना, हाँ वियर्ड लग रहा है बट आगे के चैलेंजेस में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। अच्छे से करने तो चलेगा, क्या वीडियो के लिए नहीं कर रहा, खुद के लिए कर रहा हूँ। करेला है क्या? करेला नहीं है, लाना पड़ेगा। मंगा दो ना फट से। कितना मंगाओ? एक एक, बस मेरे को एक ग्लास पीने का है। What should I drink? एप्पल जूस और करेले का जूस। 100% आप लोग करेला चूज करने वाले हो। ये लो फॉर अ ट्विस्ट यूजिंग अ स्ट्रॉ। क्या है रिजल्ट्स? गाइस मैंने एप्पल जूस पे टाइप किया लेकिन अनफॉर्चुनेटली करेला जूस आया है। अभी मेरे को करेला जूस स्ट्रॉ के साथ पीना है। What the fuck? Come on! निकालना नहीं है। आंसू सा आ गया थोड़ा सा। ये झाग थोड़ी ना पीऊंगा। हो गया। पी तो लिया है हमने कुछ, अब हम चलते हैं खाने पर। What should I eat? Chicken rice or else? कच्चा अंडा। अब हम देखेंगे कि कच्चा अंडा आता है या चिकन राइस आता है। भाई प्लीज चिकन राइस कर देना यार, प्लीज। आई होप इट इज चिकन राइस। तूने अभी करेले का जूस पिया है? करेले का वोट किया मैंने। एप्पल जूस नहीं हेल्दी? चिकन राइस, कच्चा अंडा, कच्चा अंडा दो पीस ऑब्वियसली। वेजिटेरियन है। चिकन राइस को 30% दिया है आपने और कच्चा अंडा दो पीस को आपने 70% दिया। अभी मेरे को पता नहीं करेले के बाद पेट में बम्बार्डमेंट हुआ ना अगर कुछ तो हमारे साथ ये सेम चीज माफिया भी करेंगे। ओ भाई तू कर ले। दो अंडे लाओ, दो अंडा ऐसे ही ले आओ। आर यू रेडी गाइस? कच्चा अंडा विंस द वोट, सो सफेद भी जाने वाला है थोड़ा सा। हाँ सफेद ही तो मेन है। आज अगर पेट में कुछ हुआ, मैं नहीं पूछने वाला कि मैं कैसे पॉटी जाऊं या नहीं जाऊं, ये सब नहीं पूछूंगा। मैं अभी बोल दिया मैंने जाऊंगा, बट वो सेंसेशन जो है ना, वो एग योक था ना मेरे मुंह में, सेकंड वाला जब खाया ना तो इधर उधर हो रहा था, ऐसा लग रहा था लिटरली मछली तैर रही है इधर उधर और खा रहा हूँ मैं। यहाँ से जो टास्क होंगे वो बहुत डिफिकल्ट होने वाले हैं एंड बहुत फन होने वाले। कहाँ जा रहे भाई? आ रहा है गेम, अरे कहाँ जा रहे? सो लर्निंग रिलेटेड हम लोगों ने कुछ रखा है नेक्स्ट, जहाँ पे मैं कुछ सीखूंगा एंड एज अ चैलेंज लूंगा, बट बहुत डिफिकल्ट है वो। एंड इट इज वन ट्रिक यूजिंग स्केटबोर्ड या फिर बनी हॉप ऑन BMX साइकिल। खरीदने जाना है अभी हमें, जो ऑप्शन आएगा उस हिसाब से। अगर लाइक इफ बनी हॉप सिलेक्ट होता है तो उसमें रूल ये होता है कि दोनों व्हील्स जो है सेम टाइम पे हवा में रहने चाहिए। स्केटबोर्डिंग का एक जो ट्रिक है, सबसे बेसिक ट्रिक लर्न करूंगा मैं अगर वो आता है तो, बट 10 मिनट्स में क्या आता है पोल का रिजल्ट। इसने देख लिया ऑलरेडी कि वोटिंग रिजल्ट क्या है, मेरे को बता नहीं रहा है क्योंकि मेरे को 10 मिनट वेट करना पड़ेगा। और क्या पता रिजल्ट बदल जाए 8 मिनट में। हाँ वो भी है क्योंकि वो क्या गाइस इट्स टाइम टू लुक एट द आंसर। देखो मैं पर्सनली चूज करता बिकॉज स्केटबोर्ड डिफिकल्ट है, तो आई वुड वॉन्ट टू डू अ बनी हॉप ऑन BMX साइकिल, तो मैं वो सिलेक्ट करूंगा। लोगों ने वही सिलेक्ट किया है, बनी हॉप ऑन BMX साइकिल। अबे टफ है क्या? बनी हॉप कुछ और तो नहीं होता क्या? वही है बनी हॉप, दोनों व्हील साथ में ऊपर जाना चाहिए, ये होता है। इतना टफ नहीं होता। अबे उठाने में देख, तू उठाता है जब आगे से उठती है साइकिल, पीछे से भी उठाना है, दैट इज द पॉइंट। लेट्स गो। ये वाला साइकिल का जैसे ये कर रहा है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव है ये साइकिल का? मतलब जिसपे मैं कर पाऊँ, कूदना है मेरे को जंप करने का। 12 और मैं 70 75, इतना वेट मेरे को वो करना है जंप। शॉपकीपर ने बोला कि BMX की साइकिल यहाँ से थोड़ी दूर मिलेगी, तो हमने सोचा कि चलो अब यहीं से फायरफॉक्स की साइकिल खरीद लेते हैं। छोटा ले बड़ा ले, जैसे इतना ऐसा जो होता है पीछे से हल्का और ऐसा टाइप का, छोटे में नहीं है कोई? छोटे में बिल्ली है और उड़ा नहीं सकते। मुझे BMX है ना, लेकिन BMX तो उड़ती है ना? नहीं, खाली उसका आगे का चक्का आप ऐसा उठा के हैंडल को 360। हाँ वही वही डिसाइड कर लिया गाइस, हम लोग ये वाली साइकिल ले रहे हैं फायरफॉक्स की। क्या लगता है आदि, कर पाऊंगा मैं? करना तो पड़ेगा भले 2 घंटा लग जाए। जो चीजें सोचने में बहुत इजी लगती हैं, एक्चुअल में होती नहीं है। साइकिल लेते टाइम रियलाइज हुआ था दैट इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इजी टास्क, बट नो अदर ऑप्शन, करना है तो करना है।
हो गया ये देखते हैं अभी। पर पीछे से उठना टफ है, आगे से तो उठ जाता है आराम से। ट्राई किया मैंने बट बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। एंड वी आर रेडी फॉर द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क। अच्छा आधी गोदी में बैठेगा। फाइनली टाइम आ चुका है। मैंने आज तक मतलब मैंने साइकिलिंग की है, मुझे व्हीली तक नहीं आता है। मैंने कुछ स्टंट नहीं ट्राई किया, हमेशा इस डर से कि मुझे चोट लग सकती है। बट थोड़ा एक्सपर्टीज का भी जरूरत था मुझे। उमंग को बुलाया हमने एंड उमंग एक बार डेमो देके दिखाएगा मुझे। मतलब ये लीस्ट डेंजरस चीज है मेरे हिसाब से। सो हमारा पहला अटेम्प्ट, ठीक है, ये एकदम बेसिक अटेम्प्ट है। ऊपर से ही उठी, देखा उमंग पीछे से नहीं उठाना आता मुझे। पीछे से जब आगे जब उठ गया फिर तेरे को आगे पुश करना है। उठी क्या तेरे को एक वो मोशन लेना है। वेरी टफ। अरे इजी तो नहीं है उमंग, एक बार तू ट्राई करेगा। गाइस उमंग चप्पल में कर दिया ना अगर। ओ ना वाह, बॉडी वेट पूरा आगे ही रखना, सेंटर में ही रख बॉडी वेट। जंप का मोशन सीख पहले, है ना, यही पोस्टर में उठाना है ना खुद को। ऐसे आगे इजी है, पीछे का ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। पूरा लेग्स एग्जॉस्ट फील, नहीं एग्जॉस्ट तो नहीं फील कर रहा लेकिन लेग्स में बहुत प्रेशर आता है इससे, और हाथ में भी। उठ रहा है जरा भी नहीं। ओ भाई दुख गया, पसीना आ गया पूरा। After failed attempts, उमंग ने मेरी मदद करी और बताया टेक्निकली क्या करना होता है। तो जो देखेगा तो मेरा बॉडी वर्क नहीं हो रहा है, खाली आर्म्स का वर्क हो रहा है। अब उसने तो स्टंट्स करे हैं बट मुझे अपना सारा फोकस गैदर करके मोशन में आना पड़ेगा। हाँ उठा था भाई। भाई लोग चार चार फुट करते हैं। आगे के ताकत से जो तू उठा रहा है ना वही तेरे को डाउनफोर्स दे रहा है वापस, तो वो डाउनफोर्स मत दे, वही टाइम पे तेरे पीछे से भी उठा उसको। टफ होगा ये तो पता था लेकिन इतना टफ होगा कभी सोचा नहीं था। इस टाइम मैं थका नहीं हूँ बट बॉडी बैलेंस के साथ साइकिल को कैसे जंप कराना है वो फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ। मजा पड़ गया, ट्रिक नहीं समझ आ रहा। समझ गया लेकिन वो बाबू हो ही नहीं रहा है मुझसे, क्या करूं। हाँ शेक हैंड करेगा तो ट्राई करूंगा, ठीक है। शेक हैंड ये भी बोल रहा है मत कर, कोशिश मत कर, इसने फ्यूचर देख लिया है कि नहीं होने वाला आज। फोकस ऐसे लूज हुआ कि गैदर ही नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या गलत कर रहा हूँ मैं। एक बार तो लगा कि छोड़ दो बट गिविंग अप कोई ऑप्शन नहीं है यार। गर्मी थकान, वापस उठने का हिम्मत ही नहीं हुआ क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था कि करना कैसे है। बट फेल तो फेल सही, हार नहीं माननी है, कोशिश तो पूरी करेंगे। ट्राई करने जा रहा हूँ मैं फिर से, ठीक है। ओके बेस्ट ऑफ लक बोलो। थैंक यू। दबा के उठा, पीछे। हाँ ये कर। इमेजिन करना है साइकिल के बीच में स्प्रिंग है बस। ये आ रहा है अभी आ रहा है, समझ रहा है उसको, अभी आ रहा है, टेक्निक तो आ रहा है। कम ऑन, हो गया। हाँ हो गया भाई, स्लोमो में आ रहा है। देख उठ तो गया, ये देख स्लोमो में आ गया। वैसे तो कुछ मिल जाना तो किस्मत के हाथ ही होता है लेकिन कुछ हासिल करना तो कोशिशों के साथ ही होता है। गाइस आई डोंट थिंक सो, दिस वाज द मैक्स। ओ बेबी बनी हॉप होता है ना वो कर दिया हम। देख तेरे को आ गया है, अब ये ना अच्छे से कर, पूरा सोच ले, खत्म। नहीं कर अच्छे से कर, किया ना बनी हॉप तो हुआ, बेबी बनी हॉप थोड़ी अलाउड है। नहीं, एक राहत की सांस ली मैंने इधर। खुद पर जब गर्व होता है तो वो सुकून अलग ही होता है। पूरा वर्कआउट के बाद वाला फील आ रहा है, ऐसे ही लगता है वर्कआउट करने के बाद। हाथ लाल हो गया पूरा, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं बट हैंडल पकड़ के लाल हो गया। बट नेक्स्ट वन इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग।
आइस बकेट चैलेंज और एल्स टेक अ डेयर फ्रॉम एनी SA12 क्रिएटर. 10 मिनट्स आर फाइनली अप एंड हमारा नेक्स्ट पोल का रिजल्ट आ चुका है एंड डेयर फ्रॉम एन SA12 क्रिएटर. सारे SA12 क्रिएटर जो इस वक्त अवेलेबल हैं उन सब के नाम इसमें लिखे गए हैं. अभी इनमें से एक चिट निकाला जाएगा एंड देखते हैं किससे जाके हमें डेयर लेना है. कौन है? थक गए. एक पिंक टी शर्ट पहनो, हाँ, ब्लू शॉर्ट्स पहनो, एक पैर में चप्पल पहनो, डीमार्ट जाओ और कंडम खरीदो. ये डेयर हुआ ना. बहुत ज्यादा हंसी आ रही है मेरे को, कसम बोल रहा हूँ मैं, बहुत ज्यादा हंसी आ रही है. मैं अंदर आंटी है तो क्या हो? आंटी चलो. मैं तुम क्या बोल रहे हो? चलो मैं कंडम 50. क्या 50? 20 का इतना नहीं, 20 का है लास्ट. पूरा ही दे दो 50 निकाल के पैक करके. हाँ मैं दे दूंगा. दे दो पक्का है? मजाक कर रहा हूँ. मजाक क्यों करूंगा? कौन सा? हाँ कौन सा? ड्यूरेक्स दे दो. मजाक कर रहा हूँ. अरे नहीं सही में दे दो 50. टूर पे जा रहा हूँ क्या? टूर वूर खाए जाऊंगा. क्या ले लेना? स्टिंग ले, पे कर दे. कितना हो? कितना हो? वो बोलता है टूर पे जा रहे हो क्या? टूर पे अभी पता नहीं क्या करेंगे इसका. देखते बलून बना के, किसी का बर्थडे आ रहा है क्या, किसी का बलून बना देंगे पूरा. अबे साले इतना हैवी डेयर के बाद भूख तो लगनी ही थी, तो सोचा ये भी जनता से पूछा जाए. और जब हमने पूछा तो उन्होंने बोला वड़ा पाव. हाँ ये तो वड़ा पाव भी डन है. अब नेक्स्ट हम लोग डालेंगे इंस्टाग्राम पे हमारा पोल. एंड फाइनली वी आर देयर एट द लास्ट पोर्शन ऑफ द डे, जहाँ पर हम लोग किसी एक बंदे को टिप देंगे. अब वो आप लोग को डिसाइड करना है कौन होने वाला है. या तो इट इज अ पिज्जा डिलीवरी बॉय या फिर इट कैन बी एनी शॉपकीपर ऑफ आवर चॉइस. मेरे वोट से इतना फर्क नहीं पड़ेगा. किसको वोट करूँ? पिज्जा. 70% पिज्जा डिलीवरी बॉय है एंड शॉपकीपर को 30% है. तो लेट्स ऑर्डर सम पिज्जा एंड उसका वेट करते आने का, मजा आएगा. पिज्जा ऑर्डर आ चुका है गाइस. भैया को लग रहा है क्या हो रहा है? वो पत्ती वाला गेम खेलेगा. पत्ती है ठीक है, मैं एक हाथ में रखूंगा. अगर वो पत्ती वाला हाथ आपने चूज किया तो आपको इनाम मिलेगा. एक तीन में से दो बार करना है ठीक है. इधर है फाइनल ठीक है. एक एक जीत गए, दो में से एक करना. हो गया अबे, जीत गए इन्होंने. वैसे मैंने कुछ और सोचा था बट आपके लिए ये इनाम है. अरे नहीं नहीं, इनाम है मैं बोल रहा हूँ सही में. नहीं, हाँ हाँ नहीं, नहीं यार सही बात, मस्ती नहीं कर रहा है. नहीं, सर, क्या 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 मैंने तो मैंने क्या किया था मेरे लिए? आपने कुछ आपको अरे वो पहले से आपको देने थे, बस गेम तो ऐसे ही बहाने खिला. नहीं सर पहले से ही देना था, वो गेम ही ऐसे ही खिलाया हम लोगों ने. नहीं नहीं वीडियो के लिए नहीं है. अरे सही है. अरे नहीं सर नहीं नहीं थैंक यू बाय. थैंक यू. आज बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग दिन गया. काफ़ी नए नए एक्सपीरियंसेस मिले. स्ट्रॉ से करेले का जूस पीना, कच्चे अंडे खाना एंड द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट बनी हॉप और एंड में एक चेहरे पर स्माइल लाना. ये दिन और ये वीडियो शायद मेरे दिल के सबसे करीब होगा. इस तरह के वीडियोस जाने में पहले क्यों नहीं करता था. एक बात याद रखना गाइज, किस्मत का सब खाते हैं लेकिन मेहनत की रोटी का स्वाद रेस्टोरेंट के बटर नान से ज़्यादा टेस्टी होता है.